साथ साथ चुनाव आयोग द्वारा सभी प्रमंडलीय आयोग को एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया है और उनको ये काम दिया गया है कि इस बार चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांग वोटर लोगों को ध्यान दिया जाना है और दिया जा रहा है। उनकी आवश्यकताएं, उनकी संख्या कितनी कितनी है, एसएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, बूथ वाइज पहले से चिन्हित करके उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ करके उनको जानकारी देने की बात है जो किया जा चुका है। और इस चीज़ को देखने के लिए मैं भी आया हूँ आज। और उसमें जो सुविधाएं उपलब्ध कराने हैं, जैसे व्हीलचेयर के लिए रैंप और उसके पकड़ने के लिए हैंड रेल रेलिंग जो होता है, ये प्रायः सभी बूथ में सुनिश्चित किया जा चुका है। बिजली, पानी, शौचालय की स्थिति सब ठीक ठाक है। मैंने भी आज करीब रास्ते में 10-12 बूथ खुद देखे हैं और ये सब सुविधा पाया गया था। और बेसिक जागरूकता पैदा करना था। एक मतदान केंद्र में तो दृष्टि बाधित कुछ 6-7 वोटरों का ट्रेनिंग को भी मैंने खुद देखा आज, लोगों को समझाया जा रहा था। ब्रेल का वोटर कार्ड और ब्रेल का पर्ची भी दिया जाएगा इस बार, और ईवीएम में भी ब्रेल इंक्लूड किया जाएगा उसका साइड में, ताकि वो दृष्टि बाधित वोटर उसको हाथ से ऐसा छू करके देख सके और या पढ़ सके कि वही कौन अभी है क्या। और इस तरह से जो चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हैं, जो विकलांग है या दिव्यांग है जो भी है, उसका विशेष व्यवस्था इस बार करने के लिए निर्देश है। जिनको चिन्हित किया जा चुका है डिस्ट्रिक्ट द्वारा, उनको बूथ तक ले आना और फिर वापस छोड़ना का काम इस बार किया जाना है। तो वही है, इस बार आप लोग जानते होंगे सी विजिल का एक ऐप आया है, जिससे लोगों को सुविधा दिया गया है कि अगर चुनाव से रिलेटेड कोई शिकायत हो या किसी अनियमितता या इस तरह की बात हो जो लोगों को लगे कि प्रशासन और DEO को सूचित करना है, तो उस ऐप के जरिए वो फोटो भेज सकता है और कंप्लेंट दायर कर सकता है। और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार उसके लिए जो टीम बनी हुई है हर ब्लॉक स्तर पे है, उनको 100 मिनट के अंदर उसका निष्पादन और जांच रिपोर्टिंग सब कर लेना होता है, कर लिया जाना है। तो ये सिस्टम अब चालू हो गया है, इसका भी आज मैंने रिव्यू किया था। और इसी तरह सभी जोनल पदाधिकारी और PCCP जो कहते हैं कंट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी, उन लोगों को भी एक ऐप यूज़ करना है जिसे जिला मुख्यालय से GPS के माध्यम से उनका एग्जैक्ट लोकेशन 24 घंटे यहाँ पता चले कि अपने स्थान पे वो घूम रहे हैं कि नहीं, अपने ड्यूटी पे है कि नहीं। चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि सभी पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट जो इन PCCs और जोनल पार्टीज होंगे, उनके मोबाइल रखना है एंड्रॉयड फ़ोन और उस ऐप का इस्तेमाल करना है, और उस ऐप के माध्यम से यहाँ मुख्यालय से लोगों का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक किया जा रहा है। तो इस तरह का कुछ नई पहल यहाँ किया गया है इस बार चुनाव में। और VVPAT का भी इस्तेमाल हर मतदान केंद्र में होगा इस बार। और अभी तक जो 3 राउंड बिहार में भी देखे हैं हम लोग, इसका अनुभव मिला जुला के ठीक रहा है। जो थोड़ा सा शुरू में डाउट था कि ये बहुत मतलब सेंसिटिव मशीन है, इसलिए बहुत ख़राब होने की संभावना थी, तो वैसा नहीं था, मतलब इट इज़ क्वाइट ओके, अभी ठीक ठाक चल रहा है। और बाकी तो अवेयरनेस कैंपेन्स किया जा रहा है, साइकिल रैली निकल रहे हैं। आज भी मैंने खुद हरी झंडी दिखाए थे 2-3 जगह पर। और इस तरह से हम लोग हर प्रयास कर रहे हैं कि इस बार फ्री फेयर वोटिंग ही नहीं बल्कि एक पूरा अवेयरनेस के साथ और वोटरों के सुविधा को उपलब्ध करने के मकसद से कई तरह का पहल किया जा रहा है। और हर कोशिश रहेगा कि जिला प्रशासन चुनाव आयोग का सभी निर्देश को पालन करेंगे। थैंक यू मैम।